अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ पर अलमास कॉलोनी मफा पार्क का ये जो इलाका है, यहाँ पर कचरे की समस्या हमेशा से रही है कि लोग जैसे जावेद भाई से हमारा पिछले दो महीने से रब्ता काम हो रहा था कि कचरे के लिए लेकर यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होती है। और बोले कि उन्होंने फिर कहा, मतलब जावेद भाई से हमने जब बात की, जावेद भाई बोले कि भाई यहाँ का जो बेसिक मुद्दा क्या है, हमने उसको जानने की कोशिश करी और उसके बाद में नतीजा ये हमने इसको नतीजे में लेकर आया कि यहाँ पर जो कचरा आता है ये अलमास कॉलोनी के वफा फेडरेशन का ना ये कचरा ही नहीं है, क्योंकि कचरे की जो गाड़ी आती है इनके सोसाइटी के अंदर जाती है, सोसाइटी के कचरा वो गाड़ी में जाता है और डंपिंग में चला जाता है। यहाँ पर जो कचरा गिरता है, यहाँ वहाँ से बाहर के लोग आकर डालकर यहाँ पर कचरा डालते हैं और यहाँ पर गंदगी होती है, जिसकी वजह से इलाके के लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। फिर हमने उसका अब सोल्यूशन निकाला कि अभी क्या किया जाए, मशवरा करते गए, दिन ब दिन मशवरा किए। फिर एक दो दिन पहले हमने एक मीटिंग रखी यहाँ पर पूरे वफा फेडरेशन में। फिर हमने एक प्रपोजल ऐसा रखा कि यहाँ पर जो है ज्येष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीज़न, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा और एक वाचनालय और एक पनपोई यहाँ पर लगाया जाए खूबसूरत तरीके से बनाकर, और एक CCTV कैमरा लगाया जाए, और उसके अलावा 24 घंटे के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठेंगे। सिक्योरिटी गार्ड का काम यही होगा कि यहाँ पर एक भी कचरे की थैली किसको डालने नहीं दिया जाए। और उसके अलावा अगर हमने अभी ये मशवरा किया था, अगर कचरा फिर भी अगर गिरता है तो कुछ एक टाइमिंग का ऐसा हम रखते हैं कि जब कचरे की गाड़ी आए वहाँ रुके और उसके बाद में कचरा वहाँ से चला जाए। लेकिन उसका वो भी परमानेंट सलाज ये है कि अभी लोगों की डिमांड ऐसी कचरा यहाँ से हमको चाहिए ही नहीं। और ये हकीकत बात है कि कॉरपोरेशन के किसी भी रिकॉर्ड के अंदर ये स्पॉट ओपन स्पॉट कचरे का नहीं है, ये कचरे का स्पॉट नहीं है। यहाँ पर नागरिक कट्टा और पेपर वाचनालय और पियाऊ ये यहाँ पर बनाया जाएगा, इसका टोटल कितना बजट है? क्या चीज शुरू होगा? ये काम कल से ही शुरू होगा। बजट कितना है इस काम के? बजट के लेकर एस्टीमेट अभी हमारे पास, एस्टीमेट हमारे धीरे धीरे आ रहे हैं, वो एस्टीमेट लेकर हम जैसी भी काम की शुरुआत करेंगे। और ये जो काम जो है सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट उनके माध्यम से किया जा रहा है। कब से शुरू होगा? कल से शुरू होगा इंशाल्लाह काम। पहले यहाँ पर जो गटर का काम शुरू होगा, ये गटर बनी जाएगी और उसके बाद में इस काम की शुरुआत होगी। ये काम जो है पूरे फेडरेशन के राय मशवरे से मीटिंग करके ही किया जा रहा है और पूरे फेडरेशन की रजामंदी से किया जा रहा है। इसमें पूरे फेडरेशन की सहमति और रजामंदी से किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के एनजीओ के नाफिद किया जा रहा है। अच्छी बात है, उसका ही नाम रखा जाए। उसके पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कचरे का जो अंबार है, पिछले काफी महीनों से यहाँ पे मैं काफी सालों से यहाँ पे कचरे नहीं। चुनाव सर पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसके पहले भी कई बार हमने किया था। इब्राहिम भाई थे, मीटिंग हुई थी यहाँ पर, हमने बोर्ड भी लगाया था यहाँ पर, फेंसिंग भी बांधी गई थी और उसके अलावा यहाँ पर आदमी भी बिठाया गया था, एक सिक्योरिटी गार्ड भी बिठाया गया था। लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आया, फिर भी लोगों ने दिन में हम बिठाते थे वो रात में फेंकते थे, रात में करते थे। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर अगर बाथरूम के लिए अगर खाना खाने चला जाता था तो फिर उस टाइम पर ला कर यहाँ पर कचरा डाल देते थे, तो इस तरीके से होता था। तो हमने उसको चेंज करते हुए हमने फिर ये कहा कि अब इसको हम जो है परमानेंट 24 घंटे के लिए 24 घंटे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठाएंगे ताकि यहाँ पर कोई कचरा डाले नहीं, और CCTV कैमरा इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जो भी कचरा यहाँ पर फेंक के जाएगा मौजूदगी में तो हमारे कैमरे में कैद हो सके। और परिसर की जनता से आप साफ सफाई को देखो, आज ये बहुत साल से भी ये कचरे का इशू था। इसके पहले भी अभी शाकिर भाई ने बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये कचरा जो यहाँ से परमानेंटली इसको बंद किया जाए, उसके लिए हमने सिक्योरिटी बिठाए थे और बोर्ड्स वगैरह भी लगाए थे, लेकिन कुछ दिन उस पर अमल हो गया, उसके बाद में जैसा था वैसे हुआ। ऐसे पहले भी दो स्पॉट थे हमारे पास में, एक चरनीपाड़ा पे भी था शमशान भूमि के बाजू में, एक हमारा दरगाह रोड पे नहीं खड़ी मशीन रोड पे भी था, थोड़ी तकलीफ हुई। उसके बाद में मुकामी लोगों ने हमको बहुत साथ दिया तो हमने वो भी स्पॉट दो बंद किए। इंशाल्लाह अन करीब जैसा अभी ये पहल की गई है और इसको इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे और इंशाल्लाह ये कचरे का स्पॉट इंशाल्लाह परमानेंट बंद हो जाएगा। इसमें सबसे पहली बात, ये मुकामी लोगों ने हम सबको बहुत साथ दिया, हमारे जाफरी साहब है, जावेद भाई है और मुकामी से जितने भी वफा फेडरेशन के शाहिद भाई है और बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। दो तीन दिन पहले हम लोगों ने यहाँ मीटिंग किए और उस वक्त शाकिर भाई ने अपनी सजेशन सारे दिए, जैसा सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ये सारा काम हम लोग करने वाले और वो काम को इंशाल्लाह तकमील तक पहुँचाएँगे। और धीरे धीरे देखो, एक
कोई चीज को करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इंशाल्लाह, लेकिन अभी ये हम लोग इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है सॉरी हाँ, कि नाम भी सुल्ताना वेलफेयर का ही रखने का, जब वो लोग कर रहे हैं उनके पैसे लग रहे हैं तो नाम भी वही आए इंशाल्लाह, उसकी भी कोशिश करेंगे वही नाम इंशाल्लाह रखेंगे, कोई मसला नहीं है। एक खाली रिक्वेस्ट है वाकई आप लोग ठीक है परमानेंट इसको इंशाल्लाह बंद कर देंगे, और जैसा भी आवाम हमारे से ये काम करने के लिए बहुत खुश है, आप लोगों ने देखा भी कितने लोग इसमें हमको ताउन करने के लिए आए थे, मैं तमाम फेडरेशन का और जितने भी यहाँ लोग आए हैं मकसूद नगर से अलमास कॉलोनी की बाकी की जगह से भी आए हैं और हमारे डोंगरी नगर से भी सारे दोस्त लोग आए, मैं सबका यहाँ आने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह इस स्पॉट को हम 100% बंद करके रहेंगे कुछ दिन में, इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं इब्राहिम राउत साहब और शाकिर शेख साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम ये पहला कदम तो उठाया, कुछ बातें शायद क्लियर नहीं हो पा रही हैं लेकिन जब ये काम शुरू होगा और जब ये खात्मे में पहुंचेगा तो इंशाल्लाह ताला हमारे सामने इस पूरे मंसूबे की बहुत क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एक रीडिंग रूम और बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी यहाँ अखबार पढ़ने का इंतज़ाम होगा, कुछ रीडिंग रूम जैसी एक प्लानिंग है यहाँ पे, तो वालिद मरहूम कैसरुल जाफरी के नाम से एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड है, मैं पहले एक साल के लिए अपनी जानिब से अंग्रेज़ी उर्दू हिंदी और मराठी का एक एक अखबार इस लाइब्रेरी के लिए या रीडिंग रूम के लिए या अखबार बीनी के लिए मैं उसको पेश कर रहा हूं, और आप सबसे दुआ करूंगा कि बेहतरी का जो भी काम हो और जो भी इसको अमल में ला रहा है उसके लिए अपनी दुआओं में उसको ज़रूर याद रखा जाए। तो मैं अपने दोनों भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं, और ये जो पूरा इलाका है हमारा वफा पार्क का ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है, और हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस इलाके को जितना खूबसूरत बना सकते हैं उसकी कोशिश हमें हमेशा करती रहनी चाहिए। ये पहला कदम है, मैं मुबारकबाद देता हूँ एक बार और अपनी बात ख़त्म करता हूँ, बहुत शुक्रिया।